अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनका काफ़ी पुराना स्टॉक एक्सचेंज और उनका काफ़ी पुराना साथ है, और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में PSMU के प्लेटफॉर्म से ही वो अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आते भी रहते हैं, और उनकी एक्सपर्टीज़ में हम उनसे बातचीत करते भी रहते हैं। तो आज हमने उन्हें इन्वाइट किया है, तो वेलकम करते हैं अमीन गफार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? करम है, खैरियत है। बहुत हाँ सर, सबसे पहले तो आपके सेशन में आने का बहुत शुक्रिया। और सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी कि जो है, जैसे कि हमने देखा कि 2 दिन पहले, अगर मैं मार्केट को देखूं कि मार्केट के अंदर 2 दिन से सेलिंग थी नहीं, जैसे पता नहीं, मतलब एक सेकंड, ये सवाल मैं दोबारा करती हूँ, इसको कट कर दीजिएगा। अमीन भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मार्केट के अंदर 2 दिन से जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसी सेलिंग थी कि जैसे तबाही फिर गई हो, और ट्रेडर्स जो थे इन्होंने भी बहुत ज्यादा नुकसान किया, और लोगों के जो है वो नुकसान किया और लोगों के स्टॉपलेस हो गए। तो मुझे ये बताइए कि आज अगर हमने देखा कि उसी आइटम्स के ऊपर जो है बहुत छीना झपटी लगी हुई थी, कि मतलब कि किसी को माल मिल ही नहीं रहा था, तो ऐसा क्या हो गया, और इन 2 दिनों में आज ऐसा क्या हो गया, और इसके साथ ही के जो 2 दिन पहले जो लोग नुकसान कर गए, जिनका नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? चूंकि आप लोग बहुत पुराने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है के जो है इन सारे मामलात को देखें कि आखिर क्यों इस तरीके से हो रहा है। आज आज मैं आपसे और जो है इकबाल डैडी जैसे लोग जो हैं, जो आप लोग इतने पुराने स्टॉक एक्सचेंज के लोग हैं, तो मेरा आप लोगों के, कहते हैं ना कि गिरेबान पे एक तरीके से हाथ है, और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो है आखिर आप लोग इस तरह की कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं होती, या ऐसे कोई ऐसी कोई चीज आप लोग क्यों नहीं लाते हैं कि जिसकी वजह से इन नुकसान से बचा जा सके? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये तो बात है कि आपने 2 दिन पहले की मार्केट की बात की। 2 दिन पहले, 2 दिन के 2 दिन से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मंदी थी। अब ये हमने जो डेटा देखा उसमें नजर आया कि इंडिविजुअल की सेलिंग थी, और ये मार्केट आपको पहले, सबसे पहले आपको मार्केट क्या बेसिक ये मालूम कर ली कि मार्केट चलती है बाई रूमर पे, और इसमें एक मैनिपुलेशन होती है, एक किस्म की गेम होती है कि जहाँ अगर किसी कोई लूज हो जाए, कोई कोई बायर लूज हो जाए तो उसको फिर वहां पे इसका आउट कर देते हैं। जैसे कि कैश मार्जिन मार्केट इस वक्त लिक्विड लिक्विड वाली मार्केट, या किसी ने ज्यादा मार्जिन फाइनेंस में चले गया, अब उसकी डिफरेंस की ताकत नहीं है तो वो इसको ये आउट कर देते हैं। तो ये मार्केट का पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि आप जितने, आपके ये कहते हैं कि जितने आपके पास लिक्विडिटी हो उतना काम करें। अभी 2 दिन से हम ये देख रहे थे कि इंडिविजुअल की सेलिंग थी और फॉरेनर की बाइंग थी। अब ये कि एक रूमर चली थी कि लाहौर के अंदर किसी को एक बहुत बड़े, मतलब जो इन्वेस्टर थे उनको नोटिस आए थे, लोगों ने किसी ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग कर ली थी, तो उनकी एक होता है कि होल्डिंग की, इसकी वजह से एक नोटिस आ गई थी, तो उसकी सेलिंग थी। अब जैसे सेलिंग खत्म हुई, मार्केट में लाव शुरू हो गया, एकदम से अपर लॉक शुरू हो गया, क्योंकि अगर वो फंसा होगा तो लोगों को पता होगा कि इसको माल बेचना है, अगर 50 लाख से बेचना है तो फिर आपको पता है कि 50 लाख बेचना इतना आसान नहीं है, ये तो हमको कम में बेच के जाएगा क्योंकि मजबूरी है, तो उससे लोग फायदा उठाते हैं। ये मार्केट का एक हिस्सा है, और इसलिए कहते हैं कि आपके पास जितने पैसे हो उतना काम करें, इससे ज्यादा काम ना करें, क्योंकि जब भी आप कहीं लूज पड़ेंगे तो आपको कहीं ना बहुत बड़ी मार पड़ जाएगी। अब बहरहाल आज मार्केट ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म किया है, और जिससे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो दूसरे हमारे वजीर खजाना थे उसने भी एक अच्छा बयान दिया है कि आगे आगे पाकिस्तान के IMF से मुजाकरात अच्छे हो रहे हैं, और हो सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ कम हो जाए, तो या अगर कम नहीं होगा तो अनचेंज होगा, बढ़ेगा नहीं, तो इससे कि एक अच्छा मार्केट को इशारा मिल रहा है, जो इन्वेस्टर है उनको एक मुस्बत इशारा मिल रहा है मार्केट में काम करने का। सर, जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात की कि जैसे कि अभी आने वाली है, तो आप मुझे बताएं, अब 3 महीने बाद जो है आप क्या देखते हैं कि जो 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या कमी आ सकती है?
देखें, अभी इसी महीने में 18 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी अनचेंज है, और जून में भी इसके बाद जो 3 महीने की क्वार्टर की होगी उसमें भी लगता है अनचेंज होगी, क्योंकि अभी ऐसे लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट कम हो या फिर बढ़े, अनचेंज होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर 4.5% जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रुक गया, अगर वहां बढ़ गया तो पाकिस्तान में बढ़ेगा, अगर वहां कम हो गया तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएगा। सही। अच्छा, ये IMF की जो लोन अप्रूव हो रही है, आपको इसके क्या असरात आपको मार्केट में नजर आएंगे? लेकिन अभी तो IMF के हमें जून में एक बड़ी बहुत बड़ी पेमेंट देनी है, तो जो नई लोन आएगी वो पुरानी लोन में अदा हो जाएगी, और इसके अलावा ये जो पेंडिंग है कि अगर IMF की लोन नहीं मिलेगी तो हम पुरानी किस्त किस तरह अदा करेंगे, तो ये एक नया मार्जिन नया मायदा हो रहा है कि पुरानी किस्त देने के लिए नई किस्त लेके अदा करेंगे, और इसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जो रिजर्व कम हो जाएंगे तो फिर ये कि हमारी जो गवर्नमेंट ने जो इदारे हैं जैसे PIA दूसरे को तो एक दो स्टील मिल है और कुछ बैंकिंग सेक्टर है, कुछ ऐसे इदारे हैं जो गवर्नमेंट सेल आउट कर देगी, तो इसमें ऐसे रेवेन्यू हासिल होगा तो फिर हमारे रिजर्व में इसका इजाफा हो जाएगा, तो हमारे जो रुपया है वो मजबूत होगा और जो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरारत है वो कम हो जाएगी जिसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट पे भी फिर कम हो सकता है। नहीं। अच्छा सर, जरा मुझे ये ऑटो सेक्टर के हवाले से बताइए कि जो ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो 2 दिन से नीचे की तरफ नीचे की तरफ थे, आज अचानक से अपर लॉक लग गया, तो इसकी क्या वजह थी? बस वो एक ऑटो सेक्टर में एक पेंडिंग था, वो सेलिंग थी, किसी ने होल्डिंग कर ली थी, उसे आपको पता है कि जाकर कोई कंपनी में होल्डिंग करता है तो वो एक कंपनी को एक नोटिस भेजता है कि मैं आपकी कंपनी में होल्डिंग कर रहा हूँ, उसके बगैर इजाज़त के नहीं कर सकता, तो ये होल्डिंग कर ली थी, उनको लेटर आ गया तो उसने सेल किया, फिर जब जैसे मार्केट में सेल हो गए तो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। अब ये तो खैर एक मार्केट का हिस्सा है कि ये हो गया वो ना हो गया, मगर ये सब बातें हैं, मगर कोई अमली जाना जामा पेजाना या कोई PSA साइड पे कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है, बस ये एक मार्केट में रूमर चल रही है कि इनकी सेलिंग चल रही है, इसको नोटिस आ गया, बस ये हमेशा होता रहता है, तो कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आइटम वाइज और सेक्टर वाइज बताएं कि किस पे इस वक्त जो है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, जरा इस हवाले से बताएं आप। जी, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आइटम वाइज के हवाले से बता दें और सेक्टर वाइज के हवाले से बता दें कि इस सवाल वक्त हमारे इन्वेस्टर को किस पे काम, मतलब जो है किस पे काम करना चाहिए? देखें, इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो जो मार्केट जब स्टार्ट हुई थी तो ऑयल सेक्टर से हुई थी, OGDC PPL वगैरह बढ़ रहे थे, उनकी ये बात आ रही थी कि सर्कुलर डेट की पेमेंट आ रही है, उनका बड़ा डिविडेंड आ रहा है, 100 रुपए से करीब डिविडेंड आ रहा है, मगर अब ये लग नहीं रहा क्योंकि इनका अभी जून तक तो नहीं लग रहा कि इनका बड़ा डिविडेंड आएगा, ये रूटिंग वाला डिविडेंड आएगा, जैसे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेमेंट की अदायगी करनी है, जून के बाद हो सकता है इसका बड़ा डिविडेंड आए और गवर्नमेंट इसको प्राइवेट कर देगी, और ये मैंने सुना है कि मार्केट के अंदर एक रूमर बहुत चल रही है कि जो खरीदेगा और तो उसका तकरीबन उसको 100 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये का डिविडेंड कंपनी देती है तो इसका यहाँ से भी तकरीबन 40 से 50 रुपये या 60 से 80 रुपये के करीब रेट दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा, जून के बाद की कहानी है। आपकी आवाज बंद हो गई है, आपका माइक ऑफ हो बाकी गया। ये क्या अच्छा, आपने मुझे फर्दर OGDC का जवाब दिया है, मैंने आपसे पूछा था आइटम वाइज और सेक्टर वाइज बताएं, आपने मुझे OGDC और PPL के हवाले से जवाब दिया है। जैसे ऑयल सेक्टर के हवाले से जो सर्कुलर डेट की पेमेंट आ रही थी, बड़ा डिविडेंड आ रहा था, तो अब डिविडेंड तो बड़ा नहीं आएगा जून सही तक, जून के बाद हो सकता है बड़ा डिविडेंड आए। सही। अच्छा जरा अमीन साहब, मुझे ये बताइए कि सीमेंट सेक्टर के बारे में बताएं कि काफी टाइम से कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने में आ रही है, क्या क्या वजूहत है? देखिए सीमेंट सेक्टर की ज्यादातर इनकी लोन होती है और इनकी लोन इस वक्त 22% चल रही है, तो जैसे ही लोन इंटरेस्ट रेट कम होगा और गवर्नमेंट ने कुछ तामीराती और कुछ इदारे गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं कि नए नए प्रोजेक्ट के बारे में जैसे कि CPay के और इसके बारे में, अभी ये कि इन फ्यूचर अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सीमेंट सेक्टर में कर सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छा बूम आ जाएगा, क्योंकि जो नए मंसूबे शुरू हो जाएंगे तो सीमेंट की सेल बढ़ जाएगी, तो ये सीमेंट सेक्टर इस वक्त चीप प्राइस पे मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये तो सीमेंट सेक्टर की बात हो गई, अब जरा फार्मा सेक्टर के हवाले से बताएं कि क्या लगता है आपको फार्मा सेक्टर का इस वक्त? फार्मा सेक्टर में एक तो इनका रॉ मेटेरियल डॉलर की वजह से थोड़ा महंगा पड़ रहा है, और दूसरी कि फार्मा सेक्टर ने कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों ने बैंक से भी ज्यादा लोन ली हुई है, तो
अब डॉलर जैसे आईबीएफ के प्रोग्राम में हम जाएंगे तो डॉलर के अंदर प्रेशर आएगा, तो फार्मा सेक्टर की जो इंपोर्ट करते हैं इनकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये कि इनके सेक्टर को अच्छा अच्छा बूम आ जाएगा। इसमें भी काफी अभी जगह है, खास करके वो आइटम जो इस वक्त 50 के अंदर है, जैसे कि 500 600 वाली आइटम है उसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर छोटी आइटम के अंदर फार्मेसी के अंदर काफी गुंजाइश है कि यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट डबल भी या फोर फोर टाइम बढ़ सक प्लस हो सकती है। नहीं, अच्छा ये जरा से मुझे पैनी आइटम के हवाले से बताएं कि इस जो पैनी आइटम्स होते हैं इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है तो लोगों का जो रुझान होता है वो इधर ही होता है बनिस्बत इसके कि वो बड़ा बड़ा आइटम लें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पेनी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम होते हैं तो मार्केट के अंदर जो ज्यादा वॉल्यूम शो किए जाते हैं वो पेनी स्टॉक ही होते हैं, और दूसरे के जो ब्रोकर हजरात होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि लोग पेनी स्टॉक के अंदर काम करें ताकि इनको ज्यादा वॉल्यूम हो, ज्यादा कमीशन मिले, मगर ये कि क्लाइंटों को नुकसान होता है। आप देखा जाए तो अगर क्लाइंट ने अगर 5 लाख शेयर का काम छोटी आइटम में किया है तो अगर इसके 20 25 रुपए से कम हो गए तो बहुत ज्यादा का फर्क पड़ जाता है। अब प्लस तो खैर बहुत कम ही लोग होते हैं, मगर अगर आप पेनी स्टॉक में काम करते हैं तो वॉल्यूम ना करें, क्योंकि वॉल्यूम से आपके टैक्सेस वगैरह और अपने जो इनकी जो नेशनल के लेंगे आखिर में जो चार्जेस आ जाते हैं टर्नओवर चार्जेस, वो भी लोग देख के परेशान हो जाते हैं, भाई इतना बड़ा आपका 20 25 हजार एकदम से इनका टैक्स लग के आ जाता है साल के आखिर में, तो ये लोगों को उस वक्त बहुत भारी पड़ता है, खास करके जब लोग लॉस कर चुके होते हैं, जिससे आपको टैक्स भी लग रहा है, गेन टैक्स भी लग रहा है प्रॉफिट पे, और फिर ये 15 20 हजार पे अलग से टैक्स आ जाता है, तो कम वॉल्यूम करें तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब बना के फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्सेस में सब खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा ये थोड़ा बताएं, लोटा पाकिस्तान का 28 30 रुपए रेट था, प्राइवेटाइज हो रही थी, कोई लोकल जो है हम सुनने में आया था कोई कोई लोकल कंपनी है वो उसको खरीद रही है, तो इसके जो है शेयर्स जो है वो डाउन हो गए। अब मजीद आगे इसमें आपको क्या नजर आता है? देखिए लोटे पाकिस्तान की एक प्राइवेटाइज चल रही थी और इसमें जो पाकिस्तान की लोकल कंपनी ने 10% पेमेंट भी कर चुकी थी कोरिया को, और मतलब इसके बाद मैंने सुना कि फोरफिट हो गए, क्योंकि इनका जो बिजनेस है केमिकल का ज्यादातर टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और उस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया के पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा डाउन है, और दूसरा ये लोटा जो केमिकल बनाते हैं वो भी दुनिया के अंदर डाउन है, तो मतलब ये कि अभी कहीं बेनिफिट नहीं हो रहा, एक तो इनकी बैंक लोन भी ज्यादा है उसका मार्केट भी बहुत लग रहा है, दूसरा है कि इनकी जो कॉस्ट भी ज्यादा है, और दूसरे के इनके प्राइस नहीं मिल रहे और मार्केटिंग भी इनके अब खत्म हो गई है, तो वो जो पाकिस्तानी जो कंपनी लोकल वो फोरफिट हो गई। अब इसका देख रहे हैं कि 28 एकदम 28 18 रुपये तक आ गया, अब मजीद इस पे रेट बढ़ नहीं रहा, तो इसमें अभी लग नहीं रहा कि कोई सा कोई आगे बहुत ज्यादा बूम हो। सही। अच्छा अमीन भाई जरा बताइए मुझे कि आप अभी कल की मार्केट को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, और आपका क्या मशवरा है क्योंकि कल वर्किंग लास्ट वर्किंग डे है इस वीक का, तो आपको क्या लगता है मार्केट का? और दूसरा ये कि क्या आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि किस तरीके से उनको काम करना चाहिए कल के दिन? देखिए मार्केट में अगर लोग काम करें तो बाइंग करके काम करें, शॉर्ट सेल ना करें और फ्यूचर के अंदर काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस फ्यूचर के अंदर कई जो पोजीशन बिल्कुल आउट हो जाती है, और जिस दिन फ्यूचर के अंदर जब मंदी होती है तो फ्यूचर के आइटम सबसे ज्यादा लोग इसको फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेल करते हैं और उसमें ब्लैंक मारते हैं, जैसे कि बाटा कहते हैं, तो वो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आता है के आइटम के, तो फ्यूचर के वाले आइटम में खास करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम ना करें, रेडी में काम करें ना लेवरेज से काम करें, जितनी इन्वेस्टमेंट काम करें इंशाल्लाह बहुत कमाएंगे अभी मार्केट के अंदर हो जाए, और खास करके रिसर्च करें जो छोटे आज के जो तकरीबन प्रोग्राम आते हैं बताते हैं कि कंपनी है कि अर्निंग काम करें, जो वो भी वक्ती तौर पे जो प्रॉफिट हो जाए उसको बेच के निकल जाए, फिर ऊपर रेट पे बाइंग ना करें, फिर अगर मार्केट डाउन होती है फिर वहां से चांस ले सकते हैं, बाकी कि इस तरह काम करेंगे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल धुल जाएगी, जैसे आपने हर रेट पे बाइंग करते गए तो एक वक्त आएगा कि सारे शेयर आपके गले पड़ जाएंगे, वो आपको सबको लॉस में बेचना पड़ेगा, तो एक एक टारगेट बना के एक समझदारी से, और दूसरा कि मार्केट के अंदर बिल्कुल अगर जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है तो मार्केट के अंदर बिल्कुल आप दिमाग लगा के काम करें, जैसे मार्केट डाउन होती तो अपने शेयर बेच के निकल जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर जब तेजी होती है तो वो आइटम नहीं चलती दूसरी आइटम चलती है, तो इससे लोग फंसे हुए होते हैं फिर सालों साल बारी नहीं आती।
सही, बहुत शुक्रिया मीम साहब आपका, आपके वक्त का, और आपने बड़ी जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मार्केट के हवाले से। आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, और जो है उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट वाले हैं उनको जो है इससे कोई कोई ना कोई वो कहीं पे फंसे हुए होंगे, तो कुछ ना कुछ उनको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपके से मैं इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमने काम कर रहा हूँ।